आपके शहर की हर छोटी बड़ी घटनाओं को सच्चाई के साथ दिखाएगी घटना न्यूज। देखते रहिए घटना न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए घटना न्यूज के साथ। पटना से चल करके सिंगरौली आने वाली लिंक एक्सप्रेस में आज सुबह सोमवार को एक 18 वर्षीय युवक मदोशी की हालत में GRPF को मिला। आखिर वह युवक ट्रेन में कैसे चला और मदहोश कैसे हुआ? नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं घटनाएं न्यूज। पटना से चलकर सोमवार सुबह सिंगरौली पहुंची लिंक एक्सप्रेस में बिहार के भागलपुर जिले से अगवा हुआ युवक आज बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। रेलवे कर्मियों ने VIP लॉन्च में डोर के पास युवक को पड़ा देखा तो इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। GRPF की मदद से लड़के को होश में लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि वह बोलने की स्थिति में नहीं है। युवक ने लिखकर बताया कि 3 दिन पूर्व भागलपुर के पास कॉलेज जाते समय उसका अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद वह यहां कैसे पहुंचा यह मालूम नहीं। इस संदर्भ में GRPF सब इंस्पेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि युवक का नाम रुपेश मंडल, पिता गोपाल मंडल, उम्र 18 वर्ष, ग्राम कनोरा बादलपुर, थाना मकसूदनपुर का रहने वाला है। वहां के थाने में भी इसके अपहरण का मामला दर्ज है। फिलहाल युवक बोलने की स्थिति में नहीं है, इसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इसके परिजनों समेत वहां की स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। पिता गोपाल मंडल, उम्र 18 साल, ग्राम कनौरा बादलपुर, थाना मकसूदनपुर, जिला भागलपुर का जी। ये VIP वेटिंग रूम में सोया हुआ मिला था। अच्छा। अर्ध बेहोशी की हालत में मिला था। सूचना पर जाकर के उसको उसके लिए पूछताछ की गई तो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लिख पढ़ रहा है। इसने बताया कि मेरा नाम ये है, मुझे 2-3 दिन पहले भागलपुर कॉलेज जाते समय कॉलेज कैंपस से मुझे अज्ञात लोगों ने, 4-5 लोगों ने अपहरण कर दिया। अच्छे बाद मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि मैं कैसे सिंगरौली आया हूँ। अभी इसकी ये मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। अभी इसको हम लोग अस्पताल भेज रहे हैं, डॉक्टर इसको स्वस्थ करके जब ये पूर्णतः होश में होगा इससे पूछताछ करके आगे की जो भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने थाना मकसूदनपुर OP विश्वविद्यालय भागलपुर के चौकी प्रभारी रितु कुमारी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ अपहरण का मुकदमा दर्ज है, हम अपने स्टाफ को भेज करके वहाँ से उसको प्राप्त करेंगे और जो भी इसके साथ जो भी अज्ञात लोगों ने इसके खिलाफ अपराध किया है उसको मैं तत्काल गिरफ्तार करके और आवश्यक कार्रवाई करूँगा। ठीक।